पशुओं में ज्वर। पशुओं के शरीर का सामान्य तापमान 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो ज्वर होने पर 103 से 104 डिग्री से 106 से 107 डिग्री तक पहुंच जाता है। बुखार होने पर पशु जुगाली भी नहीं करता है। ज्वर बढ़ने पर पसली चलने लगती है। बीमार पशु के कान के पीछे हाथ लगाकर ताप का अंदाज लगाया जा सकता है। स्वस्थ पशु के नाक पर पानी की बूंदें होती हैं, जबकि अस्वस्थ पशु की नाक सूखी रहती है, जो पशु के अस्वस्थ होने की आसान पहचान है। अस्वस्थ पशु के कान गिरे रहते हैं। इससे बचाव के लिए उपाय नंबर 1, उपयोगी सामग्री कपूर 5 से 10 ग्राम, तारपीन का तेल 100 ग्राम। 5 से 10 ग्राम कपूर को पीस कर पाउडर जैसा बना लें। इसमें 100 ग्राम तारपीन का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। तैयार पेस्ट को पशु की छाती पर हल्के हाथों से मल दें। ये लेप दिन में एक बार लगाएं। ये प्रयोग 2 से 3 दिन तक करें। इससे ज्वर जल्दी ठीक हो जाता है। उपयोगी सामग्री एक बार फिर: कपूर 5 से 10 ग्राम, तारपीन का तेल 100 ग्राम। उपाय नंबर 2, उपयोगी सामग्री: तारपीन का तेल 50 मिलीलीटर, पानी 1 लीटर या 1 बोतल। 1 लीटर पानी उबाल लें। इसमें 50 मिलीलीटर तारपीन का तेल डाल दें। तारपीन का तेल मिले गर्म पानी को प्रभावित पशु के मुंह के सामने रखें, ताकि वह उसकी भाप ले सके। तारपीन के भाप से ज्वर में राहत मिलती है और ज्वर जल्दी ठीक हो जाता है। ये प्रयोग दिन में एक बार सुबह ही करें। उपयोगी सामग्री एक बार फिर: तारपीन का तेल 50 मिलीलीटर, पानी 1 लीटर या 1 बोतल। उपाय नंबर 3, उपयोगी सामग्री: काला नमक 50 से 100 ग्राम, देसी घी 10 से 20 ग्राम। 50 से 100 ग्राम काले नमक को पीसकर बारीक कर लें। इसमें 10 से 20 ग्राम देसी घी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को ज्वर से पीड़ित पशु की कमर पर मलना चाहिए। ये मालिश दिन में 2 बार 4 दिन तक करनी चाहिए। मालिश करने के बाद कमर को गर्म कपड़े या कंबल से ढक देना चाहिए। इससे ज्वर में राहत मिलती है और पशु का ज्वर जल्दी ठीक हो जाता है। ये उपाय केवल गाय और भैंस के लिए ही है। उपयोगी सामग्री एक बार फिर: काला नमक 50 से 100 ग्राम, देसी घी 10 से 20 ग्राम। उपाय नंबर 4, उपयोगी सामग्री: काल मेघ की पत्ती 2 मुट्ठी, बबूल की छाल 200 ग्राम, नीम की छाल 200 ग्राम, जामुन की छाल 200 ग्राम। 200 ग्राम बबूल की छाल को काटकर कूंच लें। 1 लीटर पानी गर्म करें, इसमें बबूल की छाल को डाल दें और उबलने दें। इसमें 200 ग्राम कुची हुई नीम की छाल एवं 200 ग्राम जामुन की कुची हुई छाल को डाल दें। इसमें 2 मुट्ठी काल मेघ की पत्ती भी डाल दें। इसे 5 से 7 मिनट उबलने दें। इसे छानकर इसका सत निकाल लें। इसे ठंडा होने दें। धरके की मदद से इस औषधि को पशु को पिलाना चाहिए। इसे दिन में 2 बार 2 दिन तक पिलाना चाहिए। तैयार औषधि व्यस्क पशु के लिए 4 खुराक है एवं अव्यस्क पशु हेतु बताई गई सामग्री की मात्रा आधी कर दें। उपयोगी सामग्री एक बार फिर: काल मेघ की पत्ती 2 मुट्ठी, बबूल की छाल 200 ग्राम, नीम की छाल 200 ग्राम, जामुन की छाल 200 ग्राम। उपाय नंबर 5, उपयोगी सामग्री: गुड़ 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन। 200 ग्राम गुड़ को कूंचकर बारीक कर लें।
इसका 3/4 भाग पशु के चारे में मिला दें। इसे दिन में 3 बार दें। गुड़ से पशु का ज्वर जल्दी ठीक हो जाता है और साथ ही ताकत भी मिलती है। पशु को प्रतिदिन 200 ग्राम से अधिक गुड़ नहीं देना चाहिए। अव्यस्त पशु के लिए ये मात्रा आधी कर दें। उपयोगी सामग्री एक बार फिर गुड़ 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन। ज्वर ग्रस्त पशु के खान पान और रख रखाव में कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। ज्वर ग्रस्त पशु को छायादार हवादार स्थान पर बांधें और धूप से बचाएं। पशु को पानी में न जाने दें, न ले जाएं और बारिश में भीगने भी न दें। अस्वस्थ पशु को हरा चारा दें, ये पचने में आसान होता है। दाना नहीं दें, इसे पचने में बहुत समय लगता है।